निकोला you know, उन्हें शेर भी थी उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैंने कहा क्या डिप्रेशन दूर करने के लिए अच्छा होता है मेंटल फिटनेस के लिए उन्होंने एक बहुत बहुत प्यारी बात बोली उन्होंने कहा अगर आपको लाइफ में किसी चीज में इंटरेस्ट है ना तो उसको टाइम दो hmm. तो मैं अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ

Um, हम एक्चुअली स्टार्टेड में फिर yeah, started in वे, आ, फिर हम गए श्रीलंका जो ओके okay ओके okay था फिर हम गए फीफी एंड फार बस इतना ही अभी और करना है फी -फी, हम, फी, हम और जाएंगे मॉल जाएंगे, नाम में ही है. जाएंगे <laughs> जरूर जाएंगे <laughs> Jay, what mango? क्योंकि वो मिलेगा और मुझे लगता है जब से मैंने रेडियो सी पे बोला है मुझे डांस करना है मुझे डांस करना है मुझे ऐसे इंस्पिरेशनल लोग मिल रहे हैं डांस की दुनिया से कि आई फील ट्रूली इंस्पायर्ड एंड ब्लेस्ड टू बी इन द कंपनी ऑफ सच अ ब्यूटी जो आज मेरे शो पर आई है वायरल सिटी का हिस्सा बनी है नो मैंने आपका जो प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा हाय ये तो लाइफ मुझे भी जीनी है मैं डाइव भी करती हूँ मुझे डांस भी अच्छा लगता है मुझे भी ब्यूटी अच्छा, अच्छा लगता है मुझे भी ट्रैवल अच्छा लगता है सो अ लॉर ऑफ़ यू इज अ लॉर ऑफ मी एंड नो कि आप स्कॉर्पियो और <laughs> के में हैं uh, मैं बहुत बिलीव करती हूँ बात साइंस न्यूमरोलॉजी वगैरह में वे I just want to ask you. I know this is a very odd way to start an interview, but unfortunately, हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज अभी physically consume हो रही है yeah. मतलब हम radio jockeys एक जमाने में गुप्त होते थे हम लोग सिर्फ सुनाई देते थे भूत की तरह अब हमको देखना भी पड़ता है because obviously it's an audio visual world. True. I want to ask you, at what age did you realize that despite maybe not being so called commercially fit, <laughs> you're still this vibrant person who celebrates every cell of your body. And you know, to me, that's your biggest win as a human being and what you do with, with your account. Beyond the fact that you're such an <laughs> acclaimed dancer and everything else. first moment. self love This <laughs> is me. So I think it came from the fact that um, I need to stop overthinking what people say. और ये था या हाँ बचपन में तो पहले तो आई वॉज पिटीट स्किनी चाइल्ड ओके या आई हैव ऑलवेज बिन ऑन द थिनर फिटर साइड इट्स ओनली पोस्ट कोविड दैट you know, weight gain happened and a lot of other things happened when, you know, then people started noticing that, you know, oh, she's gained weight and that's the conversation that is there online. Yeah. But, uh, you seem unfazed by it? And yeah, yeah. Right no. now I am. Right okay. now I am. But of course, there was a point in time when I, when it used to affect me and why wouldn't it? It People feel bad, yeah, when they point out your weaknesses, it will, but it will pinch you. you ho, yeah, yeah. but, you know, pinch hota hai kahin pe.

मी इट डज इन बॉर्डर माई पेरेंट्स इट डज इन बॉर्डर एनी लव्ड वन आई एम हैप्पी एवरीबडी इज हैप्पी तो क्यों किसी और की बात सुनो ना वन पीपल कॉमेंट आई एम लाइक डिलीट ब्लॉक डिलीट ब्लॉक जाओ जो बोलना है बोल दो बट यू नो एक प्रॉब्लम है कि अगर आप सो so कॉल पतले सुखड़े भी हैं ना कभी कभी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जब मैं yeah. कहती थी लोगों से मेरे सेल्फ स्टीम इशूज थे तो वो कहते थे तुम्हें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है तुम तो अच्छी भली दिखती भी हो तुम तो अच्छा बोलती भी हो

और फिर यार अपनी लाइफ एक ही है जियो यार <laughs> जैसे भी है क्या करना है बट एक uh, आर्टिस्ट की शुरुआत इजी नहीं होती है स्पेशली बिकॉज यू नो वी बिलोंग टू अ वर्ल्ड जहाँ पे लोग कहते हैं इंजीनियर डॉक्टर ये वो मतलब तो ऐसे है. और क्योंकि इंडिया इज ब्लेस्ड विद ब्रेन्ज ना एक्स्ट्रा तो हमको लगता है हर चीज़ में आपको स्कोलास्टिकली बहुत अच्छा करना है क्या कर रही थी निकोल बचपन में और कैसे यहाँ आ गए तो बचपन में आई वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अ स्कॉलर आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट पर एक चीज जो कांस्टेंट रही है वो है डांस थ्रू चाइल्डहुड आल्सो मतलब सी हुड हाँ डांस की

होती थी सॉरी स्कूल था ये सो आई स्टडीड नॉट इन इंडिया आई स्टडीड इन लेगोस नाइजीरिया आई स्टडीड इन इंडियन लैंग्वेज स्कूल लेगोस हाँ तो वहाँ पे पली बड़ी हुई, हुई हूँ Are और वाँ. फिर उसके बाद तो मिस करते थे इंडिया uh, तभी इंडिया क्या कौन इंडिया हाँ. क्या है एग्जैक्टली exactly, वो मुझे Pata पता भी नहीं था आई यूज टू कम टू इंडिया टू 2 मंथ्स फॉर लाइक 1 मंथ 2 मंथ्स इन अ ईयर और मतलब वो दादी के घर नानी के घर कजिंस के घर मतलब ए वर्ल्ड जाओ पार्टी पार्टी पार्टी, पार्टी, पार्टी. पार्टी मतलब वही था इंडिया मेरे लिए यू नो तो पर एक फील थी और वापस आने का मन क्यों करा बिकॉज़ कुछ भी बोलो इंडिया के बाहर की लाइफ थोड़ी सॉर्टेड होती है शॉर्टेड भी है और पर वहाँ पर ना मिनी इंडिया हुई थी ऑलरेडी बिकॉज वी आर एवरीवेयर इंडियंस आर एवरीवेयर आर कल्चर वी विल मेक श्योर दैट हम लोग सब करेंगे आई फील लाइक आई सेलिब्रेटेड मोर फेस्टिवल्स इन लेगा Then I did after I shifted here. Same. I was also born abroad. ये Indian art circle करके हमारा एक था. तो वो एक जो एक circle बना देते हैं. फिर वो हर festival के साथ में आके celebrate करते हैं. So that. So I only after I shifted mm -hmm. and I came in 2005. Oh. आई केम बैक टू इंडिया फॉर गुड तब से मैं वापस नहीं गई हूँ लेगा तब oh. से मैं इंडिया में ही हूँ बट uh, तभी मुझे, मुझे पता चला कि वाओ दिस इज इंडिया मतलब फ्रीडम मतलब <laughs> निकलो <laughs> वॉक करो कहीं पर ऑटो ले बट दिस ऑल्सो बिकॉज ऑफ बॉम्बे लाइफ आई लव द मुम्बई लाइफ तो वेरी ब्लेट वेरी ब्लेस्ट वे वेरी यू नो डांस की एक बात है ख़ासियत है कि अगर वो आपके अंदर है एंड आई फील ये चीज़ हम लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते ले हैं कि अगर आप में एक रिदम है एक लचक है यू आर ब्लेस्ड और बहुत कम लोगों को पता है ये कि अगर वो कर सकते हैं दे शुड जैसे मैं शामा की स्टूडेंट थी तो शामा कभी अभी भी मुझे मिलता था वाट डांसिंग वाट डांसिंग सो यू नो आई फील ये एक चीज़ है जो हम भूल जाते हैं कि इट्स नॉट जस्ट थेरेपी और इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि आप डांस कर सकते हो पर वो एक्चुअली आपकी सेहत मेंटल हो या फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो सबके लिए बहुत अच्छा एब्सोलूटली एब्सोल्यूटली आई स्टॉप डांसिंग यू नो मैं जो बता रही थी कि ग्रोइंग अप आई नेवर आई वो आई यूज़ टू डांस फिर उसके बाद एक बार कॉलेज ख़त्म हो गया आई वेंटन टू द फुल कॉपरेट लाइफ तो मैंने सेल्स किया मार्केटिंग किया पी आर किया एंड इट वॉज प्रॉपर डेस्क जॉब फॉर लाइक थ्री फोर ईयर्स इट इज़ ओनली आफ्टर यू नो टीम नाच स्टार्ट कि मैं वापस डांस में आ गई और फिर यू नो रियलाइजेशन होता है कि यार वाई डिड आई इवन स्टॉप यू नो इट्स 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 दैट एंड देन वंस आई स्टार्ट डांसिंग अगेन उसके बाद इट्स लाइक ओके नाउ लेट्स जस्ट नॉट स्टॉप डांसिंग कैसे हुआ क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में थे तो ये तो एक बहुत सुंदर काम है इंस्पायर्ड सो इट वॉज अ डिसीजन इट वॉज एक्चुअली एन आइडिया विच वॉज आउट ऑफ अ वेरी रैंडम हॉबी ऑफ़ आइडिया कि चलो ट्राई कर लेते हैं एक क्लास लेना जी, uh, तो हम लोगों ने सोचा कि एक क्लास ले लेते हैं ट्रायल और देख लेंगे मंथ ऑन मंथ ट्राई कर लेंगे अपनी खुशी के लिए कर लेंगे इफ़ वी आर गुड टीचर्स एंड इफ़ यू आर एबल टू यू नो शेयर दैट नॉलेज शेयर दैट लव फॉर डांस तो ठीक है वील कैरी इट फॉरवर्ड वरना छोड़ देंगे और क्या ट्राई पर बचपन में डांस सीखा था आई हैव डन कथक फॉर अ कपल ऑफ इयर्स ओब्वियसली आफ्टर आई मूव टू बॉम्बे ऑल्सो इट वॉज ऑल लाइक शामक फॉर सम टाइम ऐशी लोबो फॉर सम टाइम इट वॉज ऑल लाइक दूसरा थोड़ा 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 करके ह्योर एन दर ह्योर एन देयर क्लासेज ह्योर एन देयर सो आई न्यू कि ठीक है डांस ठीक ठाक कर लेती हूँ देख लेंगी अगर सिखा सकते हैं कि नहीं सो बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट बींग अ डांसर बींग अ टीचर आर टू डिफरेंट थिंग्स राइट तो वही स्टार्ट किया सिखाना एंड पीपल इन्जॉयड इट एंड दे केप्ट कमिंग फॉर क्लासेज और फिर वी वर एन्जॉइंग इट बिकॉज इट वॉज चैलेंजिंग फॉर अस टू क्रिएट न्यू कोरियोग्राफीज़ एवरी क्लास एवरी वीक क्योंकि पहले कोई इतना करता नहीं था कोरियोग्राफी क्लासेज कोरियोग्राफी वर्कशॉप्स पहले uh, एक महीने में एक को कोरियो सिखाते थे शायद एंड दैट वीज टू बी लाइक ट्रेनिंग 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 थ्रू द वीक्स एंड लास्ट हफ्ते में दे वुड बी लाइक सम फ्लेवर ऑफ कोरियोग्राफी सम

हाउ मू क्रेडिट दैट फॉर पीपल आके सीख रहे हैं आई थिंक इट्स ग्रेट आई मीन ऑफकोर्स आ जाओ सीखो बट डोंट बी अंडर दैट वो क्या बोलते हैं सब लोग भाग रहे हैं बस yeah. व्यूज के लिए कर भाग कर रहे, रहे हैं रील्स तो मतलब डो इट अगर डांस करना है तो करो ऑफकोर्स करो पर एटलीस्ट अपने टैलेंट को भी देखो लाइक यू नो दिखा के लिए मत करो। दिखावे के लिए मत करो लाइक डोंट डू इट जस्ट बिकॉज कुछ भी करके मतलब आप सोचोगे कि मतलब व्यूज आ जाएंगे या किसी सेलिब्रिटी सा, uh, के साथ डांस करोगे इन्फ्लुएंसर के साथ डांस करोगे दैट शुड नॉट बी द दोकस एम्बिशन द एमबीशन शुड बी टू काइंड ऑफ मूव बेटर ग्रूव बेटर ट्रेन योर सेल्फ यू नो इम्प्रूव योर सेल्फ ग्रो इन डांस दैट आपके लिए क्योंकि मुझे लगता है डांस इज लाइक इबादत

Very uh, profound question. Very right? profound question. I think every time I do any kind of semi-classical choreography, uh, which because he's semi-classical for me, is a lot of feeling and it's a lot of uh, emotion, emotion and it's a lot of storytelling. Mm -hmm. Yeah, it's a lot like from within, right? Gee, like gee, the choreography gee. also comes from within whatever your soul is feeling at that point in time. So whenever I'm performing, whether it is class, whether it is for on stage, whether it's um, uh, for shoot or anything, that time, you know, there's a sense of... Uh, Zen and meditation that you automatically feel that you know you feel calm. Like I feel calm, yeah. I feel calm, like which is why when Jabibi Kohe must say, Pooche what is your favorite huh. dance style? For me, it is semi classical because there is something about that dance, about the movement, about the spinning, about the expression that you know it feels like it's coming from my heart. <laughs>

Wow! Yeah, we do belly fusion. Uh, there's a lot of freestyle and groove and all of yeah, that that yeah. we do too. But belly fusion is one thing which I think not many people uh, are do uh, are so, yeah. aware of. But yeah, that's the one thing that I would like to so share. So belly dance and belly fusion are different because belly fusion, mein thoda thoda haan, thoda fuse See, I never want to say that this belly dance dance hai, because belly dance is very vast. Yeah. Okay, and of course, to get into the intricacies of everything is like it's, it's, a in itself, yeah. it's a school in itself right so I'm not going to call it belly dance I call it we call it belly fusion because okay. it takes inspiration from belly dance but also has a little bit of your Bollywood it also yeah, has yeah, a little yeah. bit of uh could have a little bit of classical movement also yeah. in it Ooh. which is interesting and fun to do yeah. and it feels also sexy when you're uh, performing it of course yeah aapne uh, kaunse dancers say not the actors but Dancers and choreographers say inspiration. Oh my God! All um, inspirations and why? Kyun? So honestly, dancers say not not many as such. Madhuri yeah because my my vision of when i was growing up as an inspiration has been madhuri Dixit and it has been urmila matondkar and it has been Sri devi i mean it has been that like for me that was always dance karisma kapoor it has been that uh, dancers dancers as such uh, not that not really, yeah, not really. dancers um, <laughs> everybody knows this about me it's rithik roshan for Aww. sure yeah जो गुरु सो इंटरेस्टिंग बात करने को एंड

उन्होंने कहा अगर आपको तो मैं अभी लॉकडाउन में ले रहा हूं कि कोई ऐसा भी कर सकता है yeah. कि जैसे आपने कहा, उनके लेवल भी बैठ उनको लग रहा होगा अरे नेक्स्ट डांस ना में कर लूंगा बट नो ही क्योंकि बॉडी भी तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है जब एक दिन हाथ मूव नहीं होता तो फिर अटकता है थोड़ा सा डू यू फिट आपकी फिटनेस के मंत्रास क्या है And I would think, even for a dancer, there are certain rules for fitness, you right? know? Yeah. So, dance is mainly what I do. Okay. Uh, but apart from that, a little bit of gym and a little bit of yoga here and there. Uh -huh.

Um, हम एक्चुअली आई स्टार्ट में फिर स्टार्टेड yeah, एनलॉक फिर हम गए श्रीलंका जो ओके okay ओके -okay था फिर हम गए फीफी एंड सोफार बस इतना ही अभी और करना है फी -फी, हम और जाएंगे मोल जाएंगे जिसके नाम में ही है। जाएंगे। <laughs> जरूर जाएंगे <laughs> दो गाने जो जिसपे निकोल बहुत डांस करती थी बचपन में दरवाजा बंद करके वन यू वांट मी टू टेल यू तो एक तो वॉज या दैट एंड अनदर वन दरवाजा माधुरी जी का ही है बट आई एम ट्राइंग टू थिंक कौन सा वाला धक धक नॉट सो मच यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहे बिकॉज दरवाजा बंद करके तो हम डांस नहीं करते थे हम ऐसे पागल जैसे घर में घूम घूम के डांस डांस करते थे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसे एक्सेप्टेंस भी थी पेरेंट्स ओनली पुट मी इन दे घते जाओ डांस करो मतलब करो जो करना है ऑफ कोर्स बीइंग द फर्स्ट बॉर्न मतलब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि सब करो सब करो सब एक्टिविटीज <laughs> करो कितने लोग कहते हैं कि इसमें क्या फ्यूचर है आप प्लीज अपना जॉब करो ये जो आपने शिफ्ट किया है इसमें कितना सपोर्ट मिला था पेरेंट्स से पेरेंट्स काफ़ी मतलब स्टन uh, हो गए थे हुँ. कि अच्छा ये करोगे ओके okay, देख लो इट वॉज नेवर कि नहीं मत करो इट वॉज ऑलवेज कि आई यू श्योर कि आपको करना है ठीक uh, है अगर आपको ठीक लग रहा है तो कर लो देख हुँ. लो सो so, बट From others, like uh, fa extended maybe relatives and extended friends and all that, there might have been like, are you sure that you know how how will you survive? Uh, survive how will you sustain? But to me, it was always about like, you know, they are saying, if they are we will go back to our 9 to 5. Or what? I do want to know what your dream is because you have what is i think i just want to be mentally and physically fit mm -hmm. that is that is my dream right now uh, i want to have peace of mind mm -hmm. that is it i mean when it comes to dance i want to be able to dance through my life wow uh, apart from that fame success all of that is all secondary for me right now it is just ki a achi life genie hai aage bas utna hai. एवरी जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर किसी के मन में है कि हम भी इन्फ्लुएंसर बने हम भी निकोल mm. की तरह सक्सेसफुल हों बट ऐसा कोई मंत्रा नहीं होता है जैसे उन्होंने कहा कि प्लीज फॉलो योर हार्ट एंड डू वट रेजनेस क्योंकि आप जेनुअन रहोगे तो आपको ऑब्वियसली ये सब मिल जाएगा बट अगर एक मंत्रा है टू फर्दर योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया आप क्या कहना क्या चाहोगे uh, मैं कहूँगी कंसिस्टेंट uh, रहो mm, आप तो, uh, आप जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो और जो भी आप कंटेंट बना रहे हो पहले उसे मतलब ये देखो कि क्या वो इंटरेस्टिंग है आपके लिए hmm. आपके लिए इंटरेस्टिंग है आप वो देखना चाहोगे yeah. uh, आपके फेस पे स्माइल आती है आपको खुश करता है डज इट इंस्पायर यू वॉट डू यू लाइक वॉचिंग वॉट डू यू लाइक शेयरिंग you know that really makes a difference so if you're putting something out there in my opinion if i'm putting anything out there it's like it should make it should bring a smile on your face like you should be happy be like oh yeah this was nice <laughs> this was cute you know

या नाइन टू फाइव बट उनका नाइन टू फाइव मतलब नाइन टू फाइव मतलब फाइव खत्म हो जाएगा ये हाँ फोर फोर्टी फाइव भी हो सकता है ये नहीं कि वो बोलेंगे कि नहीं अभी ये प्रेजेंटेशन आया है ये करो बैठो आठ बजे तक ये नहीं है सो शी इज एन आर्ट शी इज एन आर्ट डायरेक्टर या एडवर्टाइजिंग आर्ट डायरेक्शन शी इज़ डूइंग

आई थिंक uh, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एफ ऑफ कैमरा ऑन कैमरा सेम चलती है <laughs> और आई uh, थिंक आप बहुत इंस्पिरेशनल भी हो बिकॉज आप बहुत अलग अलग चीजें करके लोगों को बोल रहे हो लेवल आप लेवल आप और करो और <laughs> थोड़ा और मजे लो <laughs> थोड़ा और मजे लो एंड आई थिंक दैट यू नो डांस कर तो रहे है बट नाउ इट्स ऑल्सो टाइम टू लाइक यू नो ब्रेक आउट ऑफ लिटिल बिट ऑफ डांस ट्राई न्यू थिंग्स मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ यार ट्राई न्यू थिंग्स ट्राई लाइक गो डाइविंग गो ट्रैवल डू ब्यूटी डू लाइफ स्टाइल जो करना I है माई हेयर वॉश्ड एंड एयर ड्राइड या सो बट दिस ऑल थैंक्स टू मम्मी माई मदर्स जेनेटिक्स एंड स्किन के लिए राइट नाउ इट्स ऑल स्किन इट्स ऑल लाइक योर ए एम रूटीन एंड पी एम रूटीन एंड जस्ट स्टिकिंग टू दैटना पड़ेगा पहले ना इट यूज टू भी ऑल अबाउट कि ओ ये कंसीलर ये मेकअप ये ब्लश अभी मुझे देखना है कि स्किन केयर में क्या है वॉट इज गोइन टू मेक माई स्किन बेटर अभी तो वी गो टू डर्माटोलोजिस्ट ऑल्सो रेगुलरली टू चेक लेकिन स्किन ठीक है क्या करवाना है अगर सब ठीक है सो ये आर टेक केयर टेकिंग ड्रिंक लॉस ऑफ वाटर दैट इज़ वन थिंग आई डू

उस सिटी रग रग में दौड़े सिटी